फ्लक्स की ही प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज माइनस Q2, एक फील्ड लाइन यहां से इमर्ज हो रही है एट सम एंगल अल्फा। लिखिए, अ फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम चार्ज Q1 एट एन एंगल अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एट विच दिस फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट माइनस क्यू। इसमें हम लोग सर्किल के थ्रू फ्लक्स का रिजल्ट देखेंगे। अगर ये एंगल थीटा था तो फ्लक्स कितना आता था, फ्लक्स थ्रू सर्किल, फ्लक्स थ्रू सर्किल आता था क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। इस रिजल्ट को आप यूज कर लें, चलिए ट्राई करिए इसको। यहां पे अगर ध्यान से देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी यूज होनी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। यहां पे इसके विसिनिटी में एक कोन फॉर्म कर रहे, सेम फील्ड लाइन उतने ही एंगल पे अल्फा, इधर इधर बीटा, एक और फील्ड लाइन बिल्कुल नीचे मिलेगी, इधर भी बिल्कुल एक कोण कंसिडर करिए। अब इतना बोल सकते हैं कि इस सर्किल से जितना भी फील्ड लाइंस जा रहा होगा सारे के सारे इस सर्किल से इन कर रहे होंगे, यहां जितने भी फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो इस सर्किल से जितने भी फील्ड लाइंस इस Q1 से इमर्ज हो रहे हैं उतने फील्ड लाइंस इस माइनस Q2 पे टर्मिनेट कर रहे हैं, क्योंकि Q1 से इमर्ज होकर के कोई भी फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन के बाहर नहीं जा सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? सो से दिस इज सर्किल वन, दिस इज सर्किल टू। So flux through circle 1 will be equal to the flux through circle 2. Clear? Flux through circle 1, क्या देखेंगे Q1 चार्ज के कारण कितना होगा flux? Q1 by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha and this is equal to flux through this circle 2 Q2 by 2 epsilon naught 1 minus cos beta. Simplify करके हमको यहां से beta find कर लेना है। Clear है? 2 epsilon naught, 2 epsilon naught गायब, इसको लिख सकते हैं Q1 2 sin square अल्फा बाई टू
is Q2 into 2 sine square beta by 2. Clear? So, sine beta by 2 कितना आ जाएगा यहां से? यह आ जाएगा root under of Q1 by Q2 into sine alpha by 2. Therefore, what would be the value of beta? Beta आ जाएगा 2 sine inverse root under Q1 by Q2 into sine alpha by 2. Clear है? अच्छा, note कर लीजिए इसको. Next question. A charge, point charge, capital Q is placed at one of the faces of a cube. Find the flux linked with the cube. Say ये क्यूब है, कंसीडर करिए हाइपोथेटिकली, इट इज अ क्यूब. चार्ज चाहे तो सेंटर पे रख सकते हैं, वही चार्ज चाहे तो फेस के सेंटर पे रख सकते हैं या कहीं यहां यहां रैंडम लोकेशन. क्लियर? अब इसी आइडेंटिकल क्यूब से अगर हम इसको एनक्लोज करना चाहें तो एक और क्यूब जस्ट इसके ऊपर रख दें, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम क्यूब इसके ऊपर एग्जैक्टली. अब अगर वो चार्ज आप देखेंगे तो वो चार्ज आपको कहीं से दिख नहीं रहा होगा, वो चार्ज हिडन हो गया. यहां जो चार्ज था ये पहले ऊपर से तो दिख रहा था, नीचे से नहीं दिख रहा था, बट एक और क्यूब इसके ऊपर से रख दिए. अब ये ना आपको साइड से दिखेगा, इधर से ना इधर से ना इधर से ना इधर से ना ऊपर से ना नीचे से, ये फुल्ली कवर्ड है. तो बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू क्यू प्लस फ्लक्स थ्रू क्यू मींस टू टाइम्स फ्लक्स थ्रू क्यू. कितना हो जाएगा ये? Charge enclosed by epsilon naught. So, what will be the value of flux through the cube? ये हो जाएगा Q by 2 epsilon. Clear है? बोलिए, यहाँ पे कोई doubt किसी को? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए.
a point charge capital Q is placed at any edge of a cube. Find the flux through the cube. सिंपली जैसे अभी आइडेंटिकल ज्योमेट्री से हम लोग चार्ज को क्लोज करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज देखेंगे यहां पे। ये साइड है, एज है, यहां कहीं रखा हुआ है, यहां कहीं, क्लियर है? चलिए फाइनली सपोज चार्ज कहीं यहां पे। अब इसको अगर हमको इन्हीं आइडेंटिकल क्यूब से एनक्लोज करना है तो एक क्यूब यहां रख देंगे। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चार्ज ऊपर से तो दिख रहा होगा आपको, नीचे से नहीं दिख पाएगा। तो एक और दो क्यूब जो यहां रखे हैं जस्ट इसके ऊपर, एक और क्यूब अगर रख दें तो ये चार्ज अब फुल्ली एनक्लोज्ड है। नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सी दिस चार्ज फ्रॉम एनीवेयर, हेंस ऐसे कितने क्यूब्स हमको मिनिमम रिक्वायर्ड हुए इसको एनक्लोज करने के लिए? चार। और चारों के लिए अगर आप देखोगे तो जो चार्ज का लोकेशन है क्यूब के लिए सेम है। सो हर एक क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा। तो लिख सकते हैं 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन सच क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्यूब? ये आ गया क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्यू, फर्स्ट ऑफ find first part flux through the cube and second part flux through each face of the cube. Try this.
सी चार्ज कैपिटल क्यू को हम लोग कॉर्नर वन पे प्लेस कर रहे हैं। चार्ज को प्लेस किया हमने एट कॉर्नर वन। सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स थ्रू क्यू कितना होगा। चार्ज मान लीजिए यहां रखा हुआ है इस कॉर्नर पे। अब बिल्कुल यही क्यू एक यहां रखते हैं, तो यहां से अभी भी देखोगे इधर साइड से दिख रहा है आपको ये चार्ज। फिर एक यहां रख दी एक क्यूब, और ये जो क्यूब यहां रखे थे इसके जस्ट सामने एक और रख दी। विजुअलाइज करिए फिर से, ये क्यूब है, सेम क्यूब यहां ला करके रख दी इसके पैरेलल। फिर ये जो लेयर है इसके पैरेलल रिपीट कर दिया हमने, मींस एक क्यूब यहां इसके पैरेलल। ये चार्ज अब आपको ऊपर से तो दिख रहा है, नीचे से ये चार्ज विजिबल नहीं होगा, क्लियर। तो यही चार क्यूब्स का लेयर ऊपर से रख दी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये चार्ज फुल्ली एनक्लोज्ड है, अब ये चार्ज आपको कहीं से भी विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे मिनिमम कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हुए हमको इसको चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, 8। नाउ एट टाइम्स फ्लक्स थ्रू क्यू ये कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू क्यू कितना आ गया, ये आ जाए क्यू बाई एट एप्सिलॉन। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए अगर देखें, अब देखिए ये चार्ज क्यू 1584 फेस के लिए कैसे है, ध्यान से देखो कुछ ऐसे है चार्ज क्यू। इसके कारण कहीं पे भी आप मान लीजिए यहीं पे देख रहे हैं फील्ड अवे जाएगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। इस पॉइंट पे भी देखिए कहीं छोटा सा एरिया लेकर के यहां पे भी फील्ड इधर, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स कितना आने जा रहा है, फ्लक्स थ्रू फेस 1584 ये आएगा जीरो। क्यों आ रहा है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ इसी तरीके से ये चार्ज क्यू इस फेस के लिए भी बिल्कुल सेम लोकेशन पे है एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। तो फ्लक्स थ्रू 1265 ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर आप ध्यान से देखो फ्रंट फेस 1234 के लिए भी बिल्कुल सेम लोकेशन पे है, 1234 जो कि फ्रंट फेस है इसके भी कॉर्नर पे ही है। तो इसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो है जी। अब इस चार्ज का लोकेशन इसके लिए देखिए, तो कहने से अगर ये सामने वाला फेस है तो इसके कॉर्नर से ये डिस्टेंस कहीं यहां चार्ज है, इस फेस के एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस वेयर आई एम सीइंग ए इज साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। इसी तरह से आप देखो बैक साइड 5678 के भी एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे है चार्ज, और बिल्कुल सेम फैशन में
ये जो टॉप सरफेस है 4, 3, 7, 8 इसकी भी एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे ही है चार्ज। तो जो तीन फेसेस हैं उन तीन फेसेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है, यहां जो तीन फेसेस रिप्रेजेंटेड है। बाकी जो बचे तीन फेसेस, कैन आई से उनसे फ्लक्स सेम होगा? सो वी विल से फ्लक्स थ्रू 2673 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 3478 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 5, 6, 7 से इन सबका वैल्यू 5 बोल रहे हैं, सारे के थ्रू फ्लक्स सेम रह रहे हैं। नाउ 3, 5 plus 3 times 0 is the total flux through this Q, which we already know is Q by 8 epsilon naught. So, phi is equal to Q by 24 epsilon naught. Clear hai? तो ध्यान रखिएगा, एक जो सर्कल का रिजल्ट हम लोग देखे हैं और ये जो क्यूब का प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लक्स कैलकुलेशंस। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ स्क्वायर of side length A, which is located at a distance A by 2 from its center. Find the flux through the square. चलिए कैलकुलेट करिए।
अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से हम क्यूब के प्रॉब्लम पे स्विच कर सकते हैं विथ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। इसके लिए काम करते हैं हम लोग, पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं जिसका साइड लेंथ ए है, और चार्ज को बिल्कुल उसके सेंटर पर रख दिया। ये एक रूम ही हम क्यूब कंसीडर कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके सेंटर पे एक चार्ज हमने प्लेस कर दिया। अब उस चार्ज क्यू का डिस्टेंस इस स्पेस इस स्क्वायर से ए बाई टू है, ए इसका साइड लेंथ है स्क्वायर का, तो इसके फेस सेंटर से बाई टू डिस्टेंस पे है। सामने भी स्लैटरल फेस से भी जो डिस्टेंस है वो ए बाई टू होगा, टॉप वाले से भी सेम होगा, बॉटम वाले से भी सेम, बैक वाले से भी और इधर साइड वाले से भी। तो कह सकते हैं इस चार्ज के कारण इन ऑल सिक्स सर्फेसेस से इंडिविजुअली फ्लक्स सेम होगा। क्लियर है? सो फ्लक्स थ्रू क्यू दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर है? नाउ सिक्स टाइम्स फ्लक्स थ्रू स्क्वायर वन फेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ये आ गया q बाई सिक्स एप्सिलॉन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां पे? नाउ इस चार्ज की लोकेशन को ध्यान से देखिए। कैन आई से ये अगर स्क्वायर है तो बिल्कुल ये डिस्टेंस a बाई टू है। So we are asked, flux through this square due to this charge, जो कि कितना जा रहा है क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन। क्लियर है? मीन्स ये अगर एक स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, इसके सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस पे चार्ज है, सिमिलर स्क्वायर एक यहां लिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक उसके ऊपर प्लेस कर दिए। अब ये चार्ज फुल्ली इनक्लोज्ड है एंड इस चार्ज के कारण हर स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा। क्लियर है? सो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर जो यहां आ रहा है this would be q by 6 epsilon 1 sixth of the flux through the entire cube। clear hai? note kar lijiye। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ रिंग
of radius capital R. First, a sphere of equal radius capital R is constructed with its center on the circumference of the ring. First, find the electric flux through the surface of the sphere. ये एक रिंग गिवन है, रिंग का रेडियस है कैपिटल आर और इस पे चार्ज कितना दिए हुए क्यू। एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका सेंटर सर्कमफेरेंस पे, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ये आपका स्फीयर है और ये है रिंग। ध्यान से देखोगे अगर आप तो सिंपल गॉस लॉ का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर एंड हाउ मच वुड बी फ्लक्स थ्रू एनी इंक्लोजर। अगर हम इसके अंदर का चार्ज बता दें कितना चार्ज इंक्लूज हुआ तो हमको फ्लक्स पता है, चार्ज इंक्लूज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सबसे पहले देखते हैं इस सर्किल का कितना पार्ट स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन चलेगी अब। सिंपल सा, ये लेंथ कितना है आर, अगर आप स्फीयर का रेडियस देखोगे वो भी कितना है आर, ये लेंथ भी आर, तो ये ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल और ये एंगल हो गया पाई बाई थ्री। सिमिलरली इधर भी देखोगे आप एंगल पाई बाई थ्री, तो ये जो आर्क है आर्क ए सी बी forms angle 2 pi by 3 at the center of the ring. 2 pi by 3 angle form करने वाला arc अगर देखोगे तो इसमें चार्ज कितना है 2
pi के corresponding charge q, so 2 pi by 3 angle subtend करने वाले r के corresponding जो चार्ज होगा वो कितना q by 3. So flux through sphere is charge enclosed, which is q by 3 divided by epsilon, which is equal to q by 3 epsilon naught. Clear hai? Check, note kar lijiye isko. In some region, electric field vector is given by E vector is minus 2x I cap plus 4y j cap. Find the electric flux through a cube of side length 1 meter which is as shown. इसमें आप चाहें तो इंडिविजुअली x कंपोनेंट ऑफ फील्ड, y कंपोनेंट ऑफ फील्ड और z कंपोनेंट ऑफ फील्ड के साथ डील कर सकते हैं। अगर हम x कंपोनेंट वाले फील्ड की बात करें तो फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगी और यहां से लीव करेंगी। क्लियर है? बट इलेक्ट्रिक फील्ड x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, x
कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर हम इस फेस के लिए देखें 1584, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस फेस के लिए एक्स का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0। क्लियर? सो फ्लक्स लीविंग थ्रू 1584 ये कितना है, 0। इस फेस की बात करें 2673, ये जो फेस है 2673, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 मीटर है इस फेस के लिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया आपका 2 न्यूटन पर कूलम। ई इंटू एरिया, एरिया 1 इंटू 1, स्क्वायर दिख रहे 1 इंटू 1 रह जाए। तो जो फ्लक्स एंटरिंग है थ्रू द स्क्वायर फेस 2673, ये कितना है, 2 इंटू 1। क्लियर है? नाउ अब आते हैं जे कैप वाली फील्ड पे। फ्लक्स यहां से एंटर करेगा और इस स्पेस से लीव करेगा। फिर से वाई कंपोनेंट ऑफ जो फील्ड दिख रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे जो फील्ड लाइंस है दोनों से सेम नहीं पास करेंगे। अगर हम इस फेस की बात करें 1 2 6 5, इस फेस के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट ये ex कर दे, यहां पे भी ex, पहले x कंपोनेंट ऑफ फील्ड देख रहे थे, ey अगर देखेंगे यहां पे 0 आएगा क्योंकि y 0 है। सो व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू फेस 1 2 6 5 कितना है, 0। नाउ फ्लक्स जो कि 1 2 6 5 सेंटर कर रहा है, दैट इज 0। अगर हम इस टॉप फेस की बात करें 4 3 7 8, इसके लिए वाई कितना है, 1 मीटर, तो ई वाई कितना आएगा, यह आ गया आपका 4 न्यूटन पर कूलम। सो फ्लक्स लीविंग थ्रू फेस 4 3 7 8 ये कितना हो जाएगा, ई वाई इंटू एरिया 1 स्क्वायर, जो कि आ जा रहा है आपका 4। सो नेट फ्लक्स थ्रू क्यू इज मॉड ऑफ फ्लक्स एंटरिंग माइनस फ्लक्स लीविंग, फ्लक्स एंटरिंग माइनस फ्लक्स लीविंग। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा फ्लक्स थ्रू क्यू, ये आ गया मॉड ऑफ 2 जो टोटल एंटर हो रहा है और 4 जो कि टोटल लीव कर रहे हैं, विच इज 2। अब आप चाहें तो यहां पे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, सीधा गॉस लॉ लगा देंगे अगर इससे आगे बढ़ना चाहें। सो दिस विल बी क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, ये आ गया 2 टाइम्स एप्सिलॉन।
क्वेश्चन शायद हम लोग यहीं तक देखे थे, बट अगर चार्ज इंट्रोज पूछा जा रहा है तो लगा दीजिए फिर गॉस लॉ, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब of side length a, small a. Find the flux through one of the faces of the cube. Check. So, very soon. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर किसी चार्ज क्यूब को क्यूब के वर्टेक्स पे रख दें तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर है? अब अगर हम इस प्रॉब्लम पे आए जिसमें कि आठों वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्जेस क्यू क्यू रखे हुए, सबसे पहली चीज क्या हम लोग ये कह सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर कि इस फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वही इसके थ्रू होगा, वही फ्रंट के थ्रू होगा, वही बैक के थ्रू और वही दोनों साइड वाले स्क्वायर फेसेस के थ्रू होगा। तो जो छह सरफेस दिख रहे हैं यहां पे क्यू के, उन छह सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम आने वाला है। क्लियर है? अब एक चार्ज जो किसी एक कॉर्नर पे है उसका टोटल फ्लक्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फ्लक्स थ्रू क्यूब में? ड्यू टू वन सच चार्ज फ्लक्स इज गोइंग टू बी क्यू बाई सॉरी फ्लक्स थ्रू क्यूब यहां आपने कितना था क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज को यहां रखे हैं तो इसको इंक्लोज करने के लिए ऐसे से आठ क्यूब चाहिए हमको, तो
फ्लक्स थ्रू क्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज के कारण इस क्यूब से जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी हाउ मच, फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर देखें दैट विल क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस, तो उन सबका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कैन आई से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू क्यूब को लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू ऑल इट 6 फेसेस। सो 6 फेस हैं और 6 फेस के थ्रू फ्लक्स क्या है, सेम। सो 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू 1 फेस ईच फेस दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ईच फेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा हमारा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं आप क्यूब का जो क्वेश्चन है ये आपको रिपीटेडली दिखता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेनरेट्स अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एंटायर स्पेस given by E vector is A by R square E to the power minus R by B into R cap. We have direction of field where R vector represents position vector of a point and A and B are constants. Find the total charge in a space giving rise to this kind of electric field. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको।
मींस अप टिल इंफिनिटी कितना है टोटल चार्ज वो देखना है हमको, क्लियर। एक काम कर रहे हैं, सेंटर ले रहे हैं ओरिजिन और एक बहुत बड़ा सा स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन। मींस अभी हम लोग इसको आर ले रहे हैं बट फाइनली वी विल पुट आर अप्रोचिंग इंफिनिटी, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है मींस ऐसा है कुछ रेडियल अप्रोच, एज इफ कुछ पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ कुछ उस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला। अब ये इनफाइनाइट रेडियस का जो स्फीयर है वो टोटल कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, कहने से वही चार्ज हमसे पूछा गया है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द मीडियम, क्लियर। नाउ यहां पे अगर छोटा सा एक एलिमेंट ले लें तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आर कैप के अलोंग है, ये है आपका आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है फील्ड का है। एरिया वेक्टर किधर आएगा इसका, इसका एरिया वेक्टर आप देखोगे डी एस आर कैप ही आएगा, एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड्स। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फ्लक्स थ्रू स्फीयर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, क्लियर है। ये कितना आएगा ए बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बाई बी आर कैप डॉट डीएस आर कैप, आर कैप डॉट आर कैप वन, दो लाइक यूनिट वेक्टर्स, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमको दे देगा वन। अगर इस सरफेस की बात करें तो आर हमारा कांस्टेंट है, तो जो टर्म्स बाहर आने वाले हैं वो हैं ए बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बाई बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये छोटे छोटे एरियाज को हमको सम अप करते जाना है। इन छोटे छोटे एरियाज को जब हम सम अप करेंगे ऑल टुगेदर हमको मिलेगा क्या, वी शैल बी गेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि कितना होने जा रहा है ए बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बाई बी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल। So, ये आ गया आपका जो फ्लक्स थ्रू स्फीयर है उसमें हमको क्या पुट करना है, यह आया ए फोर पाई ई की पावर माइनस आर बाई बी, पुटिंग आर अप्रोचिंग इंफिनिटी क्या मिलेगा हमको, flux through sphere approaches zero e की पावर माइनस इंफिनिटी वुड बी अप्रोचिंग जीरो एंड दिस इज गोइंग टू बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड चार्ज एनक्लोज्ड, जीरो। तो जो हमसे टोटल चार्ज पूछा जा रहा है मीडियम में प्रेजेंट कितना है वो जीरो, नोट कर लीजिए।
चलिए कुछ जनरल डिस्कशन पे आते हैं। मान लीजिए फिर से आपसे अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों चार्ज यहां रखा हुआ है। अब आपसे पूछ दिया जाए किसी ट्रायंगल के थ्रू फ्लक्स, तो इन जनरल वो जाएगा क्यूब वाली प्रॉब्लम पे ही। मान लीजिए ऐसा एक ट्रायंगल लिया मैंने और इस ट्रायंगल के थ्रू आपसे फ्लक्स फाइंड करना है, ओ ए बी, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल ओ ए। इस स्क्वायर का साइड लेंथ है या फिर इसका जो डायमेंशन है वो ऐसे गिवन है, ये है आपका ए, तो ये कितना हो गया ए बाई रूट टू, ये भी ए बाई रूट, ऐसा गिवन रहेगा। तो आपको घुमा फिरा के उसको लेकर के जाना है क्यूब वाले प्रॉब्लम पे ही। अब आपको ध्यान में होगा स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना आया था, एक फेस के थ्रू फ्लक्स अगर चार्ज को सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं तो। अब एक और चीज देख सकते हो आप लोग, इस ट्रायंगल के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वही इस ट्रायंगल के थ्रू आएगा, इसके लिए भी लोकेशन इस चार्ज का बिल्कुल सेम है, ऐसे रखा हुआ ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, इधर ए बाई टू डिस्टेंस, इसके लिए भी वही लोकेशन है और इसके लिए भी सेम लोकेशन है। तो चार वही ट्रायंगल्स के थ्रू यहां फ्लक्स अगर आप देखोगे ध्यान से सेम आएगा। सो फोर टाइम्स फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल ओ ए बी, फोर टाइम्स मीन्स एक दो तीन चार ट्राइंगल के थ्रू, इज नथिंग बट फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना आया था क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। सो हाउ मच वुड बी फ्लक्स थ्रू ओ ए बी ट्राइंगल क्यू बाई ट्वेंटी फोर एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो आपसे इसका भी हाफ पोर्शन के कारण पूछा जाए, इस पार्ट के कारण कितना, सपोज इस ट्रायंगल के थ्रू, फिर से आपको सिमेट्री देखनी होगी, बिना सिमेट्री के ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता। तो इस चार्ज के लिए इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो लोकेशन है बाकी ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में सेम लोकेशन, तो ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल्स दिखेंगे हमको, एट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। सो एट टाइम्स फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल ओ ए सी, ये एट टाइम्स कर दिए ट्रायंगल मीन्स बड़ा क्या स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन। सो फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल ओ ए सी कितना है क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, नोट कर लीजिए। See, this is x-axis, ये है y-axis. तो y-axis actually into the plane जा रहा है। यहां एक चार्ज रखी है हम लोग q d distance पे।
ये भी इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ, से दिस रीजन वन। ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली अगर ये एक इनफाइनाइट साइड लेंथ का स्क्वायर है तो हम इसके 1/4 के कारण पूछा गया हमसे फ्लक्स 1/4 पोर्शन के थ्रू, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी हर तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, चार्ज यहां पे है। अब अगर आपको याद हो उस पूरे इन्फाइनाइट शीट के थ्रू फ्लक्स कितना आया था अगर चार्ज क्यू को इससे डी डिस्टेंस पर रखे थे तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऐसा बस एक ऊपर भी शीट चाहिए इसको इंक्लोज करने के लिए। क्लियर है? तो ये 1/4 इधर 1/4 1/4 1/4 इन चारों को मिला करके हमको ये इन्फाइनाइट शीट बन जाएगा। सो 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू रीजियन 1, एक इधर ले लिए एक इधर, सो 4 टाइम्स phi 1 इज नथिंग बट q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट मिलेगा और इनफाइनाइट शीट के थ्रू फ्लक्स हम लोग देखे थे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगर चार्ज को उससे कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ phi 1? ये हो जाएगा q बाई 8 एप्सिलॉन। क्लियर है? चलिए क्लास क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। मान लीजिए एक ट्रायंगल गिवन है जिसका वर्टिसेस गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में गिवन है, ई वेक्टर से आई प्लस 2j प्लस से रैंडम 4, कुछ भी गिवन है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राइंगल 2D ज्योमेट्री है, इस फील्ड के कारण कुछ फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स से हमको फाइंड करना है। क्या करेंगे? सबसे पहला ये एक साइड लेंथ R1 और ये एक कर लिए R2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होगा आपको R1 क्रॉस R2 का मॉड एंड डिवाइड बाई 2 आता था, तो जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा इसके प्लेन के बाहर? मीन्स या तो R2 क्रॉस R1 के डायरेक्शन में या फिर R1 क्रॉस R2 के डायरेक्शन। हम लोग एक काम करते हैं R1 क्रॉस R2 ले लेते हैं, ये डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे? R1 क्रॉस R2 से डायरेक्शन आ गया का मॉड मॉड बाई 2, ये था एरिया डायरेक्शन R1 क्रॉस R2। तो डायरेक्टली ये जो वेक्टर हो गया ये आ गया आपका एरिया वेक्टर। क्लियर है? अब फ्लक्स थ्रू दिस ट्राइंगल विल बी ई डॉट ई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह रेक्टेंगल स्क्वायर किसी के थ्रू फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए।